नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरी चित्रपाठी आज आपको सिखाने जा रही हूँ ये आईब्रो बनाना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये आर्च में आईब्रो क्रिएट की हुई हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्लाइंट को आराम से बिठा दीजिएगा, देन अच्छे से आईब्रो में पाउडर लगा दीजिएगा। उसके बाद में आप जो एक्स्ट्रा में देख रहे हैं ना, कॉर्नर पर जो हेयर बड़े हुए होते हैं उनको आपको कट कर देना होता है, ताकि जब आप आईब्रो बनाएँ तो वो आपके धागे में ना फंसें। और इस तरह से ये सीजर बनानी होती है धागे से। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वैसे पहले वीडियो मैंने डाला हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से आपको थोड़े थोड़े से हेयर निकालने हैं आईब्रो के आसपास से। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हाथ बहुत लाइट रखना है। यहाँ पे मैं क्लास भी ले रही थी तो अपने स्टूडेंट को भी बता रही हूँ कि इस तरह से आपको टर्न कर देना है और बहुत ही जगह पर हल्के हाथ से हाथ चलाना है, अदरवाइज कट लग जाते हैं। आईब्रो बनाने वाला वही बहुत अच्छा होता है जो आईब्रो में कट बिल्कुल भी नहीं आती है, एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकलते हैं, यानी कि जो सिर्फ क्लाइंट को चाहिए होती है वो मिल जाती है। मेरी भी यहाँ से बहुत पुराना टाइम से आईब्रो बनवा रही हैं। ये देखिएगा, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ आर्च में जब आपको करना है तो ये देखिए मेरा धागा ऊपर की साइड जा रहा है थोड़ा सा, और देन अब मैं इसको टर्न करूँगी। फिर मैंने देखिएगा बी बना दिया ना, तो ये इसको मैंने राउंड नहीं किया। अगर मैं इसको मुझे राउंड शेप देना होता तो मैं क्या करती, इसको राउंड कर देती, बट मैंने इसको बी बनाते हुए टर्न किया अपने हाथ को और सारे एक्स्ट्रा हेयर जो भी थे वो निकाल दिए। वीडियो मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया हुआ है, कट नहीं किया, बहुत ही सिंपल वे में देखिएगा आईब्रो ये बनके तैयार हो गई है। इनका जो शेप नेचुरल था उसी पे मैंने काम किया हुआ है और मैंने एक्स्ट्रा जो हेयर थे वो निकाल दिए। बट उस कट को आपको मेंटेन कैसे रखना है, जो उनका शेप है उसको मेंटेन कैसे रखना है आपको, उसी का जो उनकी आईब्रो है उसी पे काम करना है आपको। और जो क्लाइंट का रहता है ना चॉइस कि उनको मोटी अगर आईब्रो चाहिए तो उनको मोटी ही करके देनी होगी आपको। आप पतली आईब्रो करेंगे तो फिर वो ये होता है ना, क्लाइंट को पसंद नहीं आएंगी। ये देखिएगा कितना प्यारा सा, इस तरफ का देखिएगा आप, क्लियरिटी नहीं है बट इस तरफ देखिएगा कितना प्यारा सा शेप निकल के आ चुका है। और सिर्फ 1 से 2 मिनट लगता है एक आईब्रो को बनाने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसी टाइप से हम दूसरी आईब्रो को भी बना देंगे। मैं क्लाइंट अपने बच्चों को यहाँ पर सिखा रही थी कि इस तरह से आपको फ़र्क देखिएगा कितनी आसानी से मैंने इसमें आर्च शेप दे दिया है और आईब्रो बन चुकी। अब इसी तरह से बनाने जा रही हूँ दूसरी आईब्रो। अगर आप राइट हैंड ही यूज करते हैं तो ये आईब्रो को आप बैक साइड से बनाएंगे, यानी क्लाइंट के पीछे खड़े होकर बनाएंगे, बट मैं लेफ्ट हैंड का यूज करती हूँ तो इस आईब्रो को भी मैं आगे की साइड से ही खड़े होकर बनाऊंगी। और लेफ्ट वाली आईब्रो को देखिएगा इस तरह से, और बहुत ही आसान तरीके जैसे मैंने इसको बनाया हुआ है उसी तरह से क्लाइंट को बोलूँगी। बहुत ही कड़े हाथ से उनको पकड़नी होती है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, स्वेटिंग आती है। तो आप बोलेंगे कि क्लाइंट के जो फिंगर है ना उनमें हल्का सा पाउडर लगवा दीजिएगा। ये टिप मैं इसलिए बताती हूँ आपको कि अगर आप बिगनर्स हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। और देखिएगा इस तरह से मैंने फिर निकाल दिया और वहाँ पर जाके मैं टर्न कर दूँगी। इस सीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेयर नहीं फंसाने होते हैं, अदरवाइज क्या होता है ना, क्लाइंट को ब्लड भी आईब्रो में आ जाता है। तो थोड़े थोड़े आईब्रो वो बाल लीजिएगा और निकालिएगा, और निकालते टाइम आपको हाथ को रोक देना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको हाथ को अपने वहीं रोक देना, जैसे ही हेयर निकलेंगे उसके बाद में क्या होगा ना, अगर आप हाथ को रोकेंगे नहीं तो एक्स्ट्रा हेयर निकल जाएंगे आईब्रो में। देखा ना अपने, बहुत से लोग कहीं धागा चलाते हैं कहीं का हेयर निकल जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप इस टाइप से काम करेंगे। जैसे देखिए, जैसे हेयर फंसा आपको हाथ रोक देना है और वहीं पे रोक देंगे आप, तो क्या होगा, कभी भी आपको एक्स्ट्रा हेयर निकलने वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हैंड को अपने लाइट रखिएगा ताकि कट भी नहीं आएंगे। और आईब्रो बनाने के बाद में एक अच्छा सा क्रीम मसाज जरूर दीजिएगा ताकि एकदम से रिलैक्स हो जाता है। ये देखिए दोनों तरह की आईब्रो बन चुकी हैं, और आई होप आप सीख भी गए हैं आईब्रो बनाना, सीख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और किस टाइप का वीडियो देखना चाह रहे हैं बताइएगा जरूर। बाय।